हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एचटीएल फाइल को कैसे सेव किया जाता है और कोई भी एचटीएल फाइल अगर हमारे पास हो उसे कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो देख लीजिए, सपोज हम छोटा सा एक फाइल बनाते हैं 12 इंच बाई 12 इंच का, रिजोल्यूशन थोड़ा कम रखते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जब आप काम करें तो रिजोल्यूशन को ज़्यादा रखिएगा और यूनिट हमेशा सिलेक्शन एमएम में करेंगे। एक सर्कल ऐसे बना लिए क्रिएट, फिर हम F9 प्रेस करके इसे मिडिल में रखेंगे, फिर ऐसे आर्क टूल से हम ऐसे कार्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये करने के बाद इधर से एक रूलर ले लेते हैं स्केल से, ऐसे फिर इस आर्क को सिलेक्शन करके हम मिरर में जाकर बॉटम में क्लिक करते हैं, तो ये जो दोनों आर्क हमारा बन गया इसे हम राइट क्लिक करके जॉइन कर लेते हैं, फिर क्लोज। ये करने के बाद इसे मिरर सिलेक्शन करके राइट में बना लेते हैं, फिर इसे सिलेक्शन करके राइट साइड में ऐसी जगह पे बिठा देते हैं, फिर इस दोनों को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब उसी जगह पे पेस्ट करके रखते हैं। फिर इधर ट्रांसफॉर्म टूल है, इसके ऊपर डबल क्लिक, फिर 45 डिग्री एंगल में हम इसे रोटेट करेंगे, ठीक है। फिर इसे और एक बार कॉपी कर लेते हैं, फिर कंट्रोल वी करते हैं, उसके बाद इसे फिर भी ऐसे 45 डिग्री एंगल में रोटेट कर देते हैं, और एक बार ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं और इधर जाके फिर से 45 डिग्री एंगल में रोटेट कर देते हैं। अभी करना क्या है, ये पूरा जितने सारे हैं सबको हम कॉपी करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, मतलब शिफ्ट को प्रेस करके रखिए, फिर एक एक करके ऐसे क्लिक कर दीजिए, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर इधर जाते हैं डबल क्लिक करते हैं। अभी करना क्या है, ऐसे मैनुअली इसे रोटेट कर देते हैं, बस अप्लाई क्लोज। तो ये सपोज ये हमारा एक डिजाइन बन गया। अभी करना क्या है, मिडिल का जो सर्कल है इसे हटा देते हैं, ये सब अभी ऐसे साइड में रख देते हैं, और पूरा जो अंदर का कर्व लाइंस जो है इसे पूरा सिलेक्ट करके हम अभी ग्रुप कर लेते हैं, फिर F9 प्रेस करके इसे हम मिडिल में रखते हैं, फिर ये जो सर्कल है इसे सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करके मिडिल में रखते हैं। अभी ट्रांसफॉर्म टूल लेके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके एक कोना पकड़ के इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे, बस। अभी करना क्या है, ये पूरा ऐसे सिलेक्शन करके हम अनग्रुप करेंगे। अभी लेयर तो हमारे पास है, तो पहले हम ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, एक एक छोड़ के शिफ्ट प्रेस करके रख के ऐसे एक एक छोड़ के हम सिलेक्शन कर लेंगे, हो गया। देखिए एक एक छोड़ के हमने सिलेक्शन किए हैं। अभी मॉडल में जाइए, सेव एडिटर, इधर ऐसे क्लिक कर लीजिए, फिर ये कार्व ऑप्शन में जाकर हम इसे 3D बनाएंगे। सपोज हम नए हैं, मतलब कुछ भी हमें बनाना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, स्केल हाइट में जाएंगे,
10 mm का सपोज हम फाइल बना रहे हैं, डेप 10 mm का, सिर्फ इधर 10 mm लिख देंगे, फिर अप्लाई ऐड। और ये कैसे बन रहा है कैसे देखेंगे, विंडोज ऑप्शन में जाकर टाइल वर्टिकली देखिए, ठीक है। फिर बाकी जो है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो कैसे समझेंगे कि वो है, कौन सा बन गया कौन सा नहीं, इधर क्लिक कीजिए, देखिए जो बन गया वो दिखाई देगा, फिर ऐसे शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन कर लीजिए, हो गया। अभी नया लेयर ले लीजिए, और इसका अगर हम डेप्थ रखे थे 10 mm, इसका थोड़ा कम रखेंगे, सपोज हम 5 mm रखेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन करके स्केल टू हाइट इसे हम 5 mm कर देते हैं, फिर अप्लाई ऐड करते हैं। अभी देखिए ऐसे दिखेगा, हम ऊपर जाके मार्च हाई कर देते हैं, ठीक है। अभी एकदम ऊपर में जो है इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे सिलेक्ट करने के बाद और एक लेयर लेंगे, फिर मॉडल सेव एडिटर, और इधर जाके हम इधर लिमिट टू हाइट सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद ये तो 10 mm का था तो हम उससे 2 mm थोड़ा बड़ा रखेंगे, मतलब 12 mm रखेंगे, अप्लाई ऐड। फिर इधर भी हमें मार्ज हाइट कर लेना है, ठीक है, देख लीजिए। अभी करना क्या है, ये जो एरिया सिलेक्टेड है इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे करेंगे कि अच्छा दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे सिलेक्ट रख दिए, अभी सिलेक्शन में है। अभी हम जाएंगे टेक्सचर रिलीफ, फिर टेक्सचर रिलीफ में जाकर ये जो स्पीयर आइज है इस ऑप्शन को रखेंगे, 1 mm के जगह 0.5 डालेंगे, साइज इतना ही रखेंगे, ऐड। अच्छा इसे हम सिलेक्टेड वेक्टर सिलेक्ट करना भूल गए, इसे सिलेक्ट रख के फिर ऐड, देखिए तो एक डिजाइन बन गया हमारा। इसे अगर एकदम राउंड शेप में आप चाहते हैं तो इधर जाके आपको थोड़ा सा ऑफसेट में 2 mm बढ़ा दीजिए। अभी देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। अभी करना क्या है, ये जो सर्कल है इसे सिलेक्ट करके बाकी जगह को मॉडल सेव एडिटर जीरो रेस्ट, बस ठीक है। अभी बैकग्राउंड को हम नान कर देते हैं, मतलब जीरो बेस जो है, तो देखिए हमारा एक डिजाइन बन गया। सपोज इस डिजाइन को हमें एचटीएल में कॉन्वर्ट करना है, मतलब सेव करना है, तो कैसे सेव करें देख लीजिए। हम सिर्फ ये जो ऑप्शन है क्रिएट ट्रायंगल मेश, इधर एक क्लिक कर देंगे, करने के बाद क्रिएट ट्रायंगल्स ये सब जैसे है ऐसे ही रखेंगे, हम इसे ओपन मेश रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट ट्रायंगल, सेव ट्रायंगल, फिर हम एक नाम देंगे, सपोज इसका नाम देंगे फ्लावर, और इधर देखिए बाइनरी एचटीएल इसे सिलेक्ट करेंगे। ये करने से देखिए एचटीएल फाइल में ये सेव हो जाएगा। ये फ्लावर नाम से एचटीएल फाइल बन गया। अभी सपोज हम इसे बंद कर देते हैं, इसे पूरा पूरा बंद कर देते हैं, तो हमने इसे बंद कर दिया। अभी क्रिएट न्यू मॉडल करके ओके कर दीजिए, फिर विंडोज टाइल वर्टिकल, तो एचटीएल फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है देख लीजिए। पहले हमें पेज को देख लेना है कि ये हमारा पेज है, फिर हम जाएंगे रिलीफ, इधर से इंपोर्ट 3D मॉडल, डेस्कटॉप में हमने फ्लावर नाम से सेव किए थे तो अभी उसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ये करने के बाद देखिए पेज के अंदर है हमारा डिजाइन, फिर हम अप्लाई सेंटर ऐसा करेंगे, ये सेंटर में पूरा बैठ जाएगा। सपोज इधर जो जेड साइज है हमने बनाए थे 15 mm, तो लिंक जेट को ऐसे डिसिलेक्ट करके हम इसे बढ़ा सकते हैं, सपोज हम
इसे 30 mm करेंगे, तो 30 रख के फिर अप्लाई, फिर सेंटर। देखिए, देख रहे हैं, तो ऐसे करके हम डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज इस डिजाइन को हमें 10 mm में चाहिए, तो इधर 10 लिख दीजिए, अप्लाई सेंटर। देख रहे हैं ये कम हो गया। सपोज इस डिजाइन को हमें और छोटा चाहिए, मतलब 3-4 और बनाएंगे, तो हम इसे सिलेक्ट रखेंगे। रखने के बाद देखिए इधर जो परसेंटेज है इसे कम कर दीजिए। सपोज हम 30% करते हैं। देखिए ये छोटा हो गया। सपोज हाइट हम इसे अभी 10 mm रखेंगे। देखिए ये 10 mm हो गया। फिर हम करेंगे क्या, सेंटर में एक बार क्लिक करेंगे, तो ये 10 mm हमारा हो गया पेस्ट। देख लीजिए ये पेस्ट हो गया। अगर और भी कुछ इधर पेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। फिर रिलीफ, इंपोर्ट 3D मॉडल, फिर से हम फ्लावर फाइल में जाएंगे, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ओपन करेंगे। ये बड़ा वाला फाइल आ गया हमारा। हमें अभी इसे छोटा करना है, तो ये सब सिलेक्शन रह जाएगा, हम इसे 30% रखेंगे। अप्लाई सेंटर, सेंटर में है। अभी इसे थोड़ा सा साइड में लेके जाना है, तो एक्स एक्सिस में हम सपोज 20 में रखेंगे। देखिए देखिए थोड़ा सा आ गया, और ज़्यादा एक्स प्लस करेंगे तो हम इसे 40 रखते हैं, इसे और थोड़ा 60। देखिए अभी ठीक है। अभी इसका हाइट हम कितना रखे थे, 15, इसका भी अगर 15 रखना चाहते हैं तो इधर क्लिक करके इसे हम ऐसे 15 रख सकते हैं। अप्लाई, फिर सेंटर, सेंटर रखने से उस साइड में चला गया, हम किधर रखे थे 60, अप्लाई कर दीजिए। देखिए ये आ गया। सपोज इसे हम 10 mm में रखेंगे, तो ऐसे 10 खाली अप्लाई कर देना है। देख रहे हैं, इसके बाद हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसे अगर बंद ना करे तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। देख लीजिए, और एक बार सेंटर में देते हैं, सेंटर में चला गया, उसको हम इस साइड में रखेंगे, तो इसे हम 180 करते हैं। देखिए अप्लाई, और थोड़ा करना पड़ेगा, सपोज 210, अप्लाई, और थोड़ा सा 250 कर देते हैं, अप्लाई। देखिए हो गया। अब इसका हाइट अगर हम कम रखना चाहते हैं, सपोज 6 mm, तो ऐसे 6 लिख के अप्लाई कर दीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे करके हम इस तरह का डिजाइन, मतलब कोई भी HTML फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल मेरा बड़ा था, इसलिए छोटा करने से ऐसे दिख रहा है, और रिजोल्यूशन भी मैं कम लेके काम कर रहा हूँ। जब रिजोल्यूशन आप ज़्यादा लेके काम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, और साइज को ऐसे करके तैयार कीजिएगा कि बीच से आराम से कटिंग हो जाए, मतलब इतना छोटा ना हो कि आपका जो बीट है वो कम पड़ जाए। मतलब ऐसे हिसाब करके आपको फाइल बनाना है। कम से कम मेरे ख्याल से 15 इंच से मतलब विड्थ और 18 इंच का हाइट रखने से 3 mm का बॉल नॉच कटिंग ठीक ठाक करते हैं। अगर उससे छोटा हो, जैसे 6 इंच बाई आपका 3 इंच 4 इंच हो गया, तब तो आपको पॉइंट में बीट सिलेक्शन करना पड़ेगा, जैसे 1.5 mm, 0.5 mm, 0.3 mm, ऐसा। नहीं तो क्या होगा, ये जो स्मॉल कार्प लाइन्स है ये अच्छा करके दिखेगा नहीं कटिंग करने। और एक लेयर लेता हूँ और फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये तो हो गया, इस लेयर को हम डिजेबल कर देते हैं। रिलीफ, इम्पोर्ट 3D मॉडल, फिर जिस HTML को आपको लेना है उसे खाली सिलेक्ट कीजिए, फिर ऐसे ओपन कर दीजिए, फिर इधर जाके अप्लाई सेंटर, ये सेंटर में बीट जाएगा। सपोज आपको हाइट बढ़ाना है तो इसे डिजेबल करके अभी साइज को ऐसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आपको सेंटर में एक बार अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज आप साइज को कम करना चाहते हैं, सपोज इसे 10 mm करना चाहते हैं, तो अप्लाई करके फिर एक बार सेंटर में ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसे क्लोज कर दीजिए, और ये जो बैकग्राउंड ड्रॉ जीरो प्लेन जो है इसे डिजेबल रखिए। देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स।